हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मीवी के M40 का, जो कि एक ट्रूली वायरलेस बर्ड्स है। और गाइज इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और काफी सारे रिव्यूज में बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो देखना इस वीडियो को पूरा, और अगर आप लोग न्यू इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक टीआरवी में। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग मीवी के वायरलेस बर्ड्स का, जो कि ट्रूली वायरलेस बर्ड्स है और ये है डियोपॉड्स M40। सो गाइस जैसे कि आप लोग बॉक्स देख रहे हो, ये काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पे आपको मीवी का एक बर्ड्स मिल जाएगा, जो कि एक रिफ्लेक्शन दिया हुआ है कि आपको बर्ड्स कैसे दिखता है। यहाँ पे टॉप में आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, साथ में नीचे डियोपॉड्स M40 लिखा हुआ है, जो कि एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है। बॉक्स के राइट और लेफ्ट में साइड देखें तो यहाँ पे आपको मीवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साथ ही में अगर बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक रिलायबल 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। सो गाइज ये एक मेड इन इंडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी जबरदस्त ईयर पॉड्स है, जो कि एक ट्रूली वायरलेस है। गाइज इसका जो MRP है वो 2500 रुपीज का है, लेकिन मुझे ये मिला है 2000 रुपीज में, जो कि एक अमेजोन के बेसिस के ऊपर मुझे मिला हुआ है। सो गाइज देरी ना करते फटाफट करते बॉक्स को ओपन। गाइज बॉक्स ओपन होते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड, जिसे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और जिसके वजह से आपको मिलेगा और 1 साल की वारंटी। सो ये भी रखते हैं हम लोग साइड में, और अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको रखा हुआ एक मिलेगा चार्जिंग केस, जो कि मीवी का है और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही में इसे होल्डिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा सा थ्रेड मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको मीवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सो गाइज यहाँ पे है मीवी डियोपॉड्स M40 का, जो कि ट्रूली वायरलेस बर्ड्स है और इसके बारे में तो हम लोग जैसे कि बोला बाद में बात करेंगे, तो फिलहाल रखते हैं इसे साइड में, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक बॉक्स, जिसके अंदर आपको मिलेगा एक चार्जिंग केबल कॉर्ड और साथ ही में आपको मिलेगा कुछ ईयरबड्स, और ये चार्जिंग केबल कॉर्ड जो है वो है एक USB टू माइक्रो USB, और बॉक्स के अंदर जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, जो कि रखा है एक यूज़र मैनुअल गाइडलाइंस, जिसे आपको पढ़ के पता चलेगा कि इसके यूजेस कैसे हैं। सो गाइज ये भी रखते हैं, और वैसे भी ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज ये सारी चीज़ें थी इस बॉक्स के अंदर, और अभी हम लोग बात करेंगे हमारे मीवी प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये प्रोडक्ट काफ़ी ग्लॉसी है, इसके ऊपर की तरफ आपको मीवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये इतनी ग्लॉसी है और इतनी छोटी है कि आपके हाथ में भी आराम से बैठ जाएगा या आप पॉकेट में भी लेके घूम सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको कुछ थ्रेड अटैच किया हुआ है, कि ताकि आप इसे कुछ अच्छे से कैरी कर सको, और ये चारों साइड से पूरी ग्लॉसी है और कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, बस आपको बैक साइड में एक चार्जिंग केबल मिलेगा जो कि माइक्रो USB है। और इस डॉक के बारे में क्या बताऊँ यार, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शाइनी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एक हिसाब से चार्जिंग केस है इस मीवी के बर्ड्स के लिए। सो चलिए ओपन करते इसके इसे, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हमें मिलता है 2 बर्ड्स, और दोनों के ऊपर आपको मीवी की ब्रांडिंग मिलेगी। सो आई थिंक ये अभी तक ऑन नहीं है, तो हम लोग इसे पहले चार्ज पे डालेंगे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अभी ये चार्ज होके नहीं आया था आउट ऑफ द बॉक्स, तो मैंने यहाँ पे अभी इसे चार्जिंग पे लगा दिया हूँ, लेकिन बाहर साइड में ऐसे कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैंने इस डॉक को ओपन किया, इस चार्जिंग केस को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा LED लाइट्स, जिसे प्रिडिक्टिंग कर रहा है कि ये चार्ज हो रहा है। साथ ही में यहाँ पे बर्ड्स पे कुछ रेड लाइट्स आ रहे हैं, जैसे कि वो चार्ज हो रहा है इस समय, और साथ ही में ये दोनों चीज एक साथ चार्ज हो रहे हैं। लेकिन बॉक्स में अभी ये पर्टिकुलर जो आया है, इसे मुझे पूरा चार्ज करना पड़ेगा और फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ। सो मिलते एक चुटकी के बाद। सो गाइस मैंने तो थोड़ा बहुत इसे चार्ज कर लिया, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो बर्ड्स अंदर ही बॉक्स में है और दोनों चार्ज हो रहे हैं बर्ड्स। यहाँ पे ये 4 LED लाइट्स है, मतलब कि अभी भी मेरा जो चार्जिंग केस, ये अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, जो कि 0.5% हुआ रहेगा,
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों काफ़ी स्लिपरी टाइप दिख रहा है क्योंकि ये पूरा मेटलिक है और अगर मैं इसे निकालूँ तो ये निकलता नहीं है फटक से। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और जैसे कि आप लोग को इसको निकालने का तरीका कुछ दिया हुआ है, इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा और ये निकलेगा और निकलते ही आपका पेयरिंग मोड पे जाएगा। इस बर्ड्स की जो बैटरी लाइफ है वो 4 घंटे की है और ये दोनों ईयरबड्स 4 घंटे के बाद आपको वापस इसे केस में डालना पड़ेगा चार्ज करने के लिए और यहाँ पे रेड लाइट आते ही ये चार्जिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। जैसे ये बर्ड्स चार्ज हो जाएंगे वैसे ये रेड लाइट्स ऑफ हो जाएंगे और यहाँ पे ये बर्ड्स इस बॉक्स में 4 टाइम्स चार्ज कर सकता है ये, और इस चार्जिंग के बॉक्स को आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटे तक चार्ज करना पड़ेगा जिससे ये फुल हो जाएगा। सो गाइस अभी ये जो मीवी का बर्ड्स है ये 4 आवर्स देता है वो भी 70% ऑफ म्यूजिक परसेंट ऑफ साउंड पे, तो अगर आप लोग म्यूजिक सुन रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो 70% होना चाहिए तभी आपको 4 आवर्स का बैटरी लाइफ देगा। और अगर उसे एक्सटेंड करना है तो आप केस में डाल दो वापस से और ये चार्ज होते रहेगा 4 आवर्स की और बैटरी लाइफ देने के लिए, मतलब 4 टाइम्स आप कर सकते हो इसे चार्ज। अभी ये पेयरिंग मोड पे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पेयर करेंगे अपने स्मार्टफोन से। सो उसके लिए बस मुझे ब्लूटूथ ऑन करना है और ये पेयरिंग मोड पे, तो ब्लूटूथ ऑन करते ही यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मीवी डियो पॉड्स M40। सो मुझे कोई भी एक पेयर कर लेना है, इससे काफ़ी ईजी है पेयरिंग करना। और ये पेयर होते ही यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट ऑफ हो चुकी है, वैसे ही दूसरा भी ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा इसी के साथ। सो अब ये दोनों मेरे डिवाइस से पेयर हो चुका है और जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर बर्ड्स की बात करूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी शाइनी है, काफ़ी छोटा सा है और इतना भी हैवी नहीं है, फिर भी ये इतना शाइनी है कि आपके हाथ से स्लिप होएगा। ऊपर की तरफ आपको मीवी की ब्रांडिंग मिलेगी दोनों में, साथ ही में अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक आपको नॉइस कैंसलेशन माइक मिलेगा जो कि सेकेंडरी माइक है। यहाँ पे चार्जिंग पिन मिलेगा, ये एक लेफ्ट साइड का बर्ड्स है और यहाँ पे आपको एक माइक भी मिल जाएगा। सो गाइस उसी तरह यहाँ पे राइट साइड में भी आपको सेम चीज़ मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स की तो गाइस यहाँ पे बहुत ही सारा फीचर्स मिलता है हमें, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, इसको कैसे एडजस्ट किया जाए वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैं यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ और इसे प्ले और पॉज करने का काफ़ी ईजी है कि यहाँ पे आप कोई भी बर्ड्स पे टच करोगे तो सॉन्ग प्ले होने लगेगा और अगर आप लोग वापस से टच करोगे तो पॉज हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है तो राइट वाले साइड पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है तो आपको लेफ्ट वाले पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। सो इस तरीके से प्ले पॉज होगा। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो आप दोनों में से किसी पे भी एक बार टैप करके आप फ़ोन उठा सकते हो। साथ ही में अगर आपको कट करना है, अगर आपको कॉल रिजेक्ट करना है, नहीं उठाना है, तो आप इसे 2 बार डबल क्लिक करोगे तो वो फ़ोन कट हो जाएगा। साथ ही में अगर किसी का कॉल आ रहा है आपको और आपका ऑलरेडी कॉल चल रहा है तो थर्ड पर्सन से आपको बात करना है तो आप डबल क्लिक करके आप फ़ोन को उसे उठा सकते, बट जो एक्चुअल कॉल चल रहा है वो होल्ड पे चले जाएगा। और अगर आपको स्वैप करना है तो डबल क्लिक करके आप स्वैप कर सकते हो दोनों में। सो गाइज ये जो लेफ्ट और राइट का काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें मिले हैं, आपको जो यूज़र मैनुअल गाइडलाइंस मिला हुआ है उसे आपको रीड करके आपको ये सब सीखना पड़ेगा। सो गाइज ये आप देख रहे हो कि मीवी के काफ़ी ज़बरदस्त स्मॉल बर्ड्स है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल तो ये था अनबॉक्सिंग और अगर मैं इसकी रिव्यू की बात करूँ तो इसके अंदर से काफ़ी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आती है। इसके अंदर आपको जो ड्राइवर मिला है साउंड ड्राइवर वो काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि इसकी म्यूजिक काफ़ी हद तक बहुत ही ज़बरदस्त बेस प्रोड्यूस करता है और साथ में इसका जो वोकल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने अभी तक जो भी सुना हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, एक ईयर में काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है, इसमें मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मेरा ईयर पेन भी नहीं कर रहा है। सो गाइस जैसे कि आप लोग ने आज का वीडियो देखा, हम लोग ने किया अनबॉक्सिंग मीवी के M40 Duo Pods का जो कि काफ़ी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है और ये काफ़ी हैंडी है, काफ़ी छोटा है। इसकी जो पावर बैकअप है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 2 घंटे की चार्जिंग में आपको 12 घंटे का पावर बैकअप देगा ये। और यहाँ पे आपको जो मीवी है 70% के बैटरी के ऊपर आपको 4 आवर्स का पावर बैकअप देता है। सो गाइज अगर वो पावर बैकअप खत्म हो जाए तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हो, उसे रिचार्ज कर सकते हो और वो चार्ज करने के लिए काफ़ी टाइम नहीं लेता है, मोस्टली 1/2 घंटे से 1 घंटे के आसपास लेता है। और ये एक स्वेट प्रूफ है, साथ ही में यहाँ पे जो इसका टच रेस्पॉन्स है काफ़ी ज़बरदस्त है, बस एक बार टच करो प्ले पॉज नेक्स्ट सॉन्ग्स, काफ़ी सारे फीचर्स है इसके अंदर जो आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट भी सपोर्ट करता है। गेमिंग के टाइम हल्का फुल्का लैग हुआ था लेकिन वो 0.01 सेकेंड का हर एक TWS जो होता है, जो भी वायरलेस बर्ड्स होते हैं या फिर ईयरफोन्स होते हैं वो लैग होते ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कम मैंने फील किया है और ये काफ़ी अच्छे से मेरे ईयर में फिट भी हो रहा है। और
मेरे हिसाब से कई काफी जबरदस्त बर्ड्स है, और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो क्यों नहीं पसंद आया है, और साथ ही में अगर नहीं हो तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो कि ताकि मैं मोटिवेट होते रहूं। जितने जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने लाइक्स मिलते रहेंगे, उसी तरह मैं भी मोटिवेट होते रहूंगा और आप लोगों के लिए काफी सारे वीडियोस लाते रहूंगा। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और जय हिंद।